तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो आइए पहला क्वेश्चन किस तरह से देखिए, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अभी तक हमने जो सीखा उसमें सिंगल x था, लेकिन अब क्या है, दोनों तरफ x है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक लगा के रखिए कि जो x x के टर्म है उसे एक साइड ले लेने हैं और जो नंबर नंबर है उसे एक साइड ले लेने हैं। तो चलिए हम इस 2x को इस साइड ले लेते हैं। जब 2x को हम इस साइड लेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये प्लस 2x है, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म किसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 2bx है और 3bx है, तो 2x और 3x जब माइनस करेंगे तो वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यानी 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 18। समझ में आया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में फिर से हम वही करेंगे, क्या करेंगे भाई, नंबर नंबर एक साइड ले लो और जो वेरिएबल है उसे एक साइड ले लो। तो यहाँ पर ये वेरिएबल है, चलो इसको हम इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 5t माइनस 3t, और पहले से हमारे पास क्या था, यहाँ पर माइनस 3 था, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, माइनस 5। समझ में आया। तो देखिए इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 2t, ठीक है, 5 माइनस 3t इज इक्वल टू 2t। अब ये जो 3 है ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस 5 तो पहले से था, अब प्लस हो जाएगा 3। तो हमारे पास 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। अब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आइए क्या होगा, डिवाइड, तो माइनस 2 अपॉन 2, 2 वन ज़ा, तो हमारा t की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ है, देखिए इसको हम एक ही स्टेप में दोनों चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आता है कि नहीं बताइएगा, ठीक है। ये जो x का टर्म है इसे हम क्या कर लेंगे, इस साइड ले जाएंगे, और ये जो माइनस प्लस 9 जो दिख रहा है उसे हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे एक ही स्टेप में। तो आइए देखते किस तरह से, देखो 5x हमारे पास पहले से यहाँ पर है, ठीक है, 3x यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3x, क्या हो जाएगा, माइनस 3x। अब इस साइड क्या बच गया हमारे पास, 3x तो इधर चला गया, इधर हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 5। अब ये जो प्लस 9 है वो इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 9। समझ में आया, जो 5 है वो हमारे पास पहले से था, अब जो 3x है वो इस साइड चला गया, तो 3x तो इधर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू के इस साइड आ गया। अब जो प्लस 9 है वो इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा, तो माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 5x में से 3x गया, कितना x बचा, 2x बचा। अब 5 माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस 4, क्या हो जाएगा, माइनस 4, ठीक है। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 2, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। आइए एक बार फिर एक साथ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो माइनस 3 है, सॉरी प्लस 3 है, जो प्लस 3 है वो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस 2z आप देख रहे हैं वो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 4z हमारे पास पहले से है, ये 2z जो है प्लस वाला वो इस साइड आया, तो माइनस 2z हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 6 हमारे पास पहले से है, ये प्लस 3 जो है इस साइड गया, क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो 4z में से 2z जाएगा, कितना z बचा, 2z बचा, इज इक्वल टू 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बचा, अब यहाँ पे पॉजिटिव 3 बचेगा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हमारे पास पहले से ही यहाँ पर है, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 2। तो आइए देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। तो वही चीज़ करेंगे, ये जो x है ये इस साइड आकर प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस 1 दिख रहा है वो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में, दोनों एक दूसरी जगह पे जाके प्लस हो जाएंगे। तो आइए करते हैं, तो 2x जो है
उसमें से माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, सॉरी ठीक है प्लस एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है। अब यहाँ पर 14 पहले से है तो ये 1 जो है वो जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा एक्स और 1x, ठीक है 2x और 1x, तो कितने x हो गए भाई 3x हो गए, 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आएगी 5। ओके चलिए करते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट आ गया, तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ठीक है ये तो एज इट इज रहेगा 8x + 4, इसके साथ कुछ नहीं करना है। अब देखिए जब ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर दो नंबर होते हैं ना, तो ये जो 3 है इसको हम क्या करेंगे दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और जब 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 7, ठीक है। आई होप ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होगा वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे दोनों के साथ, या तीन नंबर हो तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और बीच का साइन सेम रहेगा, ठीक है जब तक बाहर का नंबर माइनस में ना हो, ठीक है बाहर का नंबर माइनस में होगा तो मल्टीप्लाई तो होगा ही, बस सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर प्लस में है इसलिए कोई साइन चेंजेस नहीं होंगे, तो अब क्या करेंगे भाई नंबर नंबर एक साइड ले लो और एक्स एक्स एक साइड ले लो, तो भाई 3x जो है इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 4 जो है वो इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कैसे देखिए 8x है माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है क्योंकि प्लस 3x इस साइड आ गया, ठीक है बॉर्डर क्रॉस करके। अब यहाँ पर क्या है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस 7 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 4, 7 में से 3 गया कितना बचा 4 बचा, तो हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 4 आ गया है, और ये जो 4 है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा 4, देखिए प्लस 4 है इस साइड आएगा माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 5x, क्या बचा 5x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन 5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू होगी यहाँ पर 0, ठीक है। आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या था 3 जो है वो अकेला था बाहर, अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट के बाहर दो नंबर है लेकिन अपॉन में है, अपॉन यानी कि फ्रैक्शन में है, ठीक है तो आप अपनी सहूलियत के लिए चाहें तो इस 5 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, चलो ठीक है हम मल्टीप्लाई करके ही कर लेते हैं, तो 5x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे बचा 4 ब्रैकेट में x प्लस ब्रैकेट में x प्लस 10, ठीक है तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे तो 5x एज इट इज लिख देंगे, अब ये जो 4 है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों के साथ कर देते तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 40, क्या हो जाएगा 4x प्लस 40। अब x x को एक साइड ले लेते हैं तो ये प्लस एक्स जो है वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा 40, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चलिए करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो आइए करते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए, फिर से हम क्या करेंगे इसके अंदर नंबर नंबर एक साइड ले लेंगे और जो x के साथ जो है उसे एक साइड ले लेंगे, तो ये जो पूरा टर्म है ये वाला, ठीक है इसको इस साइड लेकर क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, और ये जो 1 है ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से, ये देखो 2x अपॉन 3 यहाँ पे पहले से, तो ये जो माइनस करके हम 7x अपॉन 15 कर लेंगे, ठीक है इज इक्वल टू यहाँ पे 3 पहले से माइनस 1 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए वापस से यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्या है डिनोमिनेटर अलग अलग है, हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, एलसीएम 3 और 15 का एलसीएम करेंगे तो 15 आएगा, तो हम क्या करेंगे इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर होगा वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 10x इसका, ठीक है और अपॉन में 15, ठीक है माइनस 7x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हो 15 दोनों के पास है, तो हम क्या कर सकते हैं होल डिवाइड बाई 15 कर सकते हैं, और यहाँ पे 10x माइनस 7x इज इक्वल टू
टू। अब आप देख सकते हो पूरे में डिवाइड में 15 है, तो ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 × 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x - 7x, कितना हो जाएगा 10x - 7x कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। तो 3x = हमारे पास क्या आ जाएगा 30, तो x = क्या होगा 30/3, तो 3 × 1 = 3 और 3×10 = 30, तो हमारा जो x होगा वो क्या होगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपली जो चीज़ अभी तक करते आ रहे हैं वही करना है, ठीक है। वेरिएबल वेरिएबल एक साइड ले लो, ठीक है, y जो है इधर है, चलो इसको इधर लाके प्लस कर लो, 2y + y हो गया। अब ये जो नंबर है इस नंबर को इस साइड ले जाओ, पहले से यहाँ पे क्या था 26/3 था, वाई इस साइड आ चुका है, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा -5/3। यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, नीचे जो डिनोमिनेटर के टर्म्स हैं वो सेम है। तो 2+1 क्या हो गया, ये हो गया 3y, ठीक है। 2+1 कितना हो गया 3y, ठीक है। तो इधर 26 - 5 कितना हो जाएगा 21/3, ये हो जाएगा 21/3। अब आप क्या देख सकते हो कि भाई ये दोनों जो है कट हो सकता है, देखो 3 × 1 = 3, 7 × 1, तो y = अपने पास क्या होगा 3y ले लेते हैं फिलहाल, तो 3y = क्या होगा 7 होगा। अब जो 3 है वो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा हमारे पास 7/3, ये होगा हमारा y की वैल्यू। तो आइए करते हैं 10th क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, ये जो 3m है और यहाँ पे 5m है, 5m जो है इस साइड आई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3m - 5m = क्या होगा -8/5, क्योंकि 5m जो है इस साइड आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा -8/5 बचेगा। अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर लेंगे, -5m - 3m, कितना m बचा 2m बचा, लेकिन किस में, माइनस में। क्यों -2m, क्योंकि बड़ा वाला नंबर माइनस में है, इसलिए = क्या होगा -8/5। अब देखो ये टर्म भी माइनस में, ये टर्म भी माइनस में, तो माइनस माइनस को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए हमारे पास है 2m 8/5, अब ये 2 है, ये यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, ये 2 इधर जाएगी क्या हो जाएगा डिवाइड, तो m = हो जाएगा 8/5, तो पहले से था, अब ये 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सिंबल कौन सा लगेगा, सिंबल कौन सा लगेगा, सिंबल लगेगा मल्टीप्लाई का। अब क्वेश्चन पूछोगे कि सर आपने तो कहा था कि जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई क्यों हो गया। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर यही होता है कि जब नंबर कोई भी किसी भी नंबर के नीचे कोई नंबर जाता है तो वो डिवाइड ही कहलाता है, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई इसका, तो ये हो जाएगा m = देखिए आप चाहो तो यहाँ पे कट भी कर सकते हो, 2 × 1 = 2 and 2 × 4 = 10, ठीक है, 2 × 1 = 2 and 2 × 4 = 8, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा 4/5, तो m = हो गया हमारा 4/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 2.3। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।